लोकसभा चुनाव में भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे को जनता ने नकारा है और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता भी घटी है, जबकि इंडिया गठबंधन पर लोगों का विश्वास बढ़ा है और देश में इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है। शिमला में पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि एनडीए 400 पार का नारा लगा रही थी, लेकिन 300 से भी कम सीटों पर ही एनडीए को संतुष्ट होना पड़ा है। देश में एनडीए सरकार बनाने जा रही है, लेकिन बैसाखियों के सहारे एनडीए सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि चुनाव में भाजपा ने धनबल का भरपूर इस्तेमाल किया और विपक्ष के नेताओं को ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर जेल में भेजने का काम किया। राहुल गांधी को भी झूठे आरोपों में जेल भेजने की कोशिश की गई। जनता ने चुनावों में भाजपा के झूठे एजेंडों को सिरे से नकारा है और यही वजह है कि भाजपा इस बार पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई। इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिसका श्रेय राहुल गांधी और गठबंधन के दूसरे नेताओं को जाता है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि राहुल गांधी को कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलनी चाहिए, कांग्रेस हाईकमान को इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने सरकार को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उपचुनाव में लोगों ने दल बदल को नकारते हुए सरकार को मजबूत किया है। सरकार जो है शक्त लेने जा रही है और मोदी साहब तीसरी बार शक्त लेने जा रहे हैं और जिस आशा के साथ, जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन सत्ता में आना चाहता था, देश की जनता ने ऐसा नहीं होने दी। 400 पार का नारा धराशायी हुआ और एग्जिट पोल को लेकर मैंने प्रेस वार्ता की थी कि किस तरह से देश में एक माहौल बनाने का प्रयास हुआ था, लेकिन देश की जनता ने देश के संविधान को, देश में लोकतंत्र को बचाने की मुहिम का समर्थन किया और भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का दावा कर रही थी वो स्वप्न साकार नहीं हो सका। हालांकि मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि ये सरकार चलनी बहुत मुश्किल, क्योंकि जिन बैसाखियों के सहारे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है वो बैसाखियां कब हट जाए कह नहीं सकते। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से देश में एक माहौल, सांप्रदायिक माहौल, एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की रणनीति की थी, लोगों ने उसे पसंद नहीं किया। 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है जो बहुमत से कम है, और आज जो हालात हैं गठबंधन के अंदर, जिस ढंग से मंत्रालय को लेकर झगड़े शुरू हो गए हैं और कई मुद्दों पर परस्पर विरोधाभास है, मुझे ये लगता है कि ये सरकार आने वाले समय में बहुत सारे विरोधाभासों का सामना जो है करने वाली, कि जिस ढंग से राहुल गांधी जी ने इस सरकार पर निशाना साधे रखा, हालांकि पूरी कोशिश हुई कि उन्हें हतोत्साहित किया जाए, उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की, हर तरीका इन्होंने जो है अपनाने की जो है कोशिश की, तो मुझे लगता है कि आज गठबंधन मजबूत है और जो बिखराव एनडीए सरकार में पहले से ही शुरू हो गया और आने वाले समय में ये बिखराव जो है और ज़्यादा बढ़ने वाला है। मेरा आग्रह है सभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों से रहेगा, पार्टी से रहेगा, कि वक्त आ गया है कि राहुल गांधी जी को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, चाहे संगठन हो चाहे विपक्ष की जो भूमिका है उसमें जो है मिलनी चाहिए, और तभी
हम जहां कांग्रेस पार्टी को मजबूत रख पाएंगे, वहां जो मौजूदा सरकार जो बनने वाली है उस सरकार पे हम अंकुश जो है रख पाएंगे।